हेलो दोस्तों, येलो फूड कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप रोज़ गोभी की सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हैं तो मैं आज आप सभी लोगों के लेकर आई हूँ गोभी के डंठल की ऐसी डिश जो शायद आपने आज तक नहीं खाई होगी। अक्सर हम गोभी के डंठलों को फेंक देते हैं, पर अब आप इन्हें फेंकेंगे नहीं बल्कि इकट्ठा करके रखेंगे। चलिए मैं आपका सस्पेंस यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और आज मैं आपके साथ जो डिश शेयर कर रही हूँ वो है फूल गोभी के डंठल के कोफ्ते। तो पहले हम जो सॉफ्ट डंठल होते हैं इनको ले लेंगे और इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, इसमें मिट्टी भी होती है, तो इस मिट्टी को या तो हम चाकू से निकाल लेंगे या फिर हम इसको गर्म पानी में थोड़ी देर भिगा के रखेंगे ताकि ये मिट्टी आराम से निकल जाए। और हाँ, अगर हमारे जो डंठल हैं ये हार्ड हैं तो हमें इनके छिक्कल बाहर से छील लेने, इसमें एक रेशे से निकलते हैं। अगर ये हार्ड होगा तो ये रेशे इसमें होंगे और अगर ये सॉफ्ट होगा तो इसमें ये रेशे नहीं होंगे। तो यही इसकी पहचान है। तो दो बात हमें ध्यान रखनी है, एक तो सॉफ्ट वाले लेने हैं, दूसरा हमें इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो लीजिए, मैंने इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के दौरान ये थोड़ा पानी छोड़ेंगे, तो इस पानी को हम इससे निचोड़कर अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये पानी अलग कर लिया है। अब हम तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी। इसकी ग्रेवी सेम वैसे ही बनेगी जैसे कि हम अन्य कोफ्तों के लिए तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने मीडियम साइज के दो प्याज, मीडियम साइज के दो टमाटर, दो बड़ी इलायची, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा, चार हरी मिर्च और लगभग 10 कलियां लहसुन की ले ली हैं। अब हमने इसकी ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर देना है, तो इसके लिए मैं लूँगी घर की ताज़ी एक कटोरी लगभग मलाई है मेरे पास और ये लगभग 15 काजू हैं। इन दोनों को मैं ग्राइंडर में पीस के बारीक पेस्ट बना लूँगी और इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो अब हम प्रिपरेशन करेंगे मसालों की। तो ये है मेरे पास मसाले, मैं बहुत सिंपल मसाले यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि लाल मिर्च है, मैं लाल मिर्च कम ले रही हूँ क्योंकि मैंने चार हरी मिर्च यूज की हैं, नमक है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और गरम मसाला है। गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्च मैंने 1 स्पून के लगभग ली है, हल्दी मैंने 1 टीस्पून लिया है और नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब हम सबसे पहले कोफ्ते तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कद्दूकस किए हुए गोभी के डंठलों को एक बाउल में ले लिया है और इसमें लगभग मैं 100 ग्राम बेसन ऐड करूंगी। इसे हम मिक्स करेंगे और कोफ्ते की बॉल्स तैयार कर लेंगे और सारी बॉल्स को इकट्ठे तैयार करके एक प्लेट में सेट कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे सारे कोफ्ते। अब हम इन्हें गर्म तेल में हल्की फ्लेम में तलेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं और इनमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। लगभग 10 मिनट बाद ये हल्की आंच में सिकने के बाद गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये लगभग 2 बड़ा चम्मच ऑयल है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 तेज़पात डाल देंगे, साथ में इसमें हम 2 चुटकी हींग भी ऐड कर देंगे। अब हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार किया हुआ है, जो इसको तेल में छोड़ देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। सारे मसालों को भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले ऑयल ना छोड़ने लग जाएं। तो देखिए, हमारा मसाला बनके लगभग तैयार है। अब हमने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। तो लीजिए, ये रही टमाटर की प्यूरी। इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही फ्राई करना है जैसे कि प्याज और लहसुन के पेस्ट को फ्राई किया था, जब तक कि ये पूरा तेल ना छोड़ने लग जाए। यहाँ पर कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, मगर ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी टमाटरों का टेस्ट प्रॉपर तरीके से उभर कर आएगा। मसालों के अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बन सके। तो लीजिए, इसमें पानी भी ऐड कर दिया है मैंने और इसे हम अच्छे से पकने देंगे। इसके टेस्ट में 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे और फिर सबसे लास्ट में, जब ये पूरा अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए, तब हमने इसमें
काजू और घर की मलाई के पेस्ट को ऐड कर देना है। तो ये रही हमारा काजू और मलाई का पेस्ट, जिसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। तो देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। जैसे जैसे ये उबाल आता जाएगा, वैसे वैसे हमारी ग्रेवी गाढ़ी होती जाएगी और इसका एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो लगभग 10 मिनट पकाने के बाद ये ऐसी दिख रही है, बहुत ही क्रीमी लग रही है। अब ये बनके तैयार हो चुकी है। तो इस ग्रेवी में हम अपने सारे कोफ्तों को छोड़ देंगे। 2 मिनट ग्रेवी में इनको भी पका लेंगे। तो लीजिए तैयार हैं फूल गोभी के डंठलों के कोफ्ते। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक बार इसको बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आप मुझे विश्वास है कि यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।